अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं या पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की खबर में आपको देने लगे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। सिंध के बाद पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के एफएससी के इम्तिहान, इंटरमीडिएट इम्तिहान मनसूख कर दिए गए हैं। 28 अप्रैल से जो इम्तिहान होने थे 11वीं 12वीं जमात के, वो अब 28 अप्रैल से शुरू नहीं होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के चेयरमैन ने यह बड़ा ऐलान किया है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को आगे करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड की तरफ से इम्तिहानात की नई डेट शीट तैयार की जाएगी, और यह फैसला सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए नहीं होगा। आप लोगों को तफसील से आगाह करते चले, हमारे फेसबुक पेज उस्मान खान टीवी पे पूरी डिटेल वीडियो इस हवाले से लाहौर न्यूज की मौजूद है, आप इसको सुन सकते हैं। चेयरमैन लाहौर बोर्ड का कहना यह है कि यह जो फैसला है यह पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के लिए होगा। तमाम बोर्ड के चेयरमैन का इजलास बुला लिया गया है, ऑल बोर्ड्स चेयरमैन कमेटी इजलास के अंदर यह फैसला होगा कि अब नई तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। आप लोगों को यह बताते चलें कि तमाम पंजाब के तालीमी बोर्ड, चाहे वो गुजरांवाला, लाहौर, डेरागाजी खां, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, जो भी बोर्ड है तालीमी पंजाब का, उस तमाम के तमाम बोर्ड पर यह फैसले का इतलाक होगा। तमाम बच्चे जो पाकिस्तान, जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, इससे पहले आपको बता दें कि सिंध के लिए हमने वीडियो बनाई थी, सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। जो एफएससी के इम्तिहान है वो मंसूख हो चुके हैं। अब आपको यह भी बता दें कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की जो है वो एक इजलास बुलाया गया है। उस इजलास के अंदर सबसे पहले आपको बता दें कि 9वीं जमात की पहले नई डेट शीट बनाई जाएगी, उसके बाद 10वीं के प्रैक्टिकल्स की नई डेट शीट बनाई जाएगी, और फिर बाद में एफएससी के इम्तिहान की नई डेट शीट का ऐलान किया जाएगा। ये मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर कोरोना की हेल्थ एमरजेंसी के पेश नजर ये तमाम फैसले किए गए हैं। पंजाब में एफएससी के इम्तिहान अब 28 अप्रैल से शुरू नहीं होंगे, मजीद लेट होंगे, और ये कितना लेट होंगे, आगे रमजान आ जाएगा, ईद के बाद होंगे या ईद से पहले होंगे, ये फैसला अभी होना बाकी है। जैसे ही कमेटी फैसला करेगी, उस्मान खान टीवी सबसे पहले आपके साथ शेयर करेगा। वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ पहुंचाएं और अपना रखिएगा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।